हाथरस में बेटी के साथ छेड़छाड़ के बाद पिता की हत्या के मामले में आखिरकार पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी गौरव शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। किसान की हत्या के बाद फरार चल रहे 1,00,000 रुपए का इनामी गौरव शर्मा अपने साथी के साथ मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। मुठभेड़ के दौरान उसके पैरों में गोली लगी है। वहीं पुलिस ने उसके साथ 40,000 रुपए का इनामी उसका साथी दबोच लिया, वो भी एक हत्या के मामले में 20 महीने से फरार चल रहा था। दरअसल जिले में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से मुख्य हत्याभियुक्त गौरव शर्मा के आने की जानकारी मिली। इसके बाद थाना सासनी, थाना हाथरस गेट पुलिस और SOG टीम ने घेराबंदी की। पुलिस को देख आरोपी फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगे, जिस पर पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। जवाबी फायरिंग में बदमाश गौरव शर्मा और उसका एक साथी सोनू तोमर और श्याम गोली लगने से घायल हो गया, जबकि एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। जनपद हाथरस के थाना सासनी पुलिस, थाना हाथरस गेट पुलिस तथा SOG टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान 1,00,000 रुपए का इनामिया बदमाश गौरव शर्मा गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 1 मार्च को थाना सासनी क्षेत्र के ग्राम नौजरपुर में गौरव शर्मा एवं उसके साथियों द्वारा अमरीश शर्मा नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना सासनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा इस घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। गौरव शर्मा उसी मामले में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान ADG महोदय द्वारा 1,00,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। आज इस बदमाश को गोली लगी है और इसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस तथा खोखा कारतूस पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। साथ ही इसी मुठभेड़ में गौरव शर्मा के एक साथी सोनू तोमर को भी गोली लगी है, जो जनपद मुरैना एवं जनपद ग्वालियर मध्य प्रदेश से वांछित चल रहा था एक मर्डर केस में, और इसके ऊपर 40,000 रुपए का इनाम मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से था। उसे भी गिरफ्तार करने में थाना सासनी पुलिस को महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सासनी पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक अवैध पिस्टल, एक तमंचा और जिंदा कारतूस मिला है। गौरतलब है कि 1 मार्च को हाथरस जिले के ग्राम नौजरपुर में पुरानी रंजिश के चलते अमरीश पुत्र जगदीश शर्मा की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में 3 नामजद आरोपी ललित शर्मा, रोहिताश शर्मा और निखिल शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं मुख्य हत्या अभियुक्त गौरव शर्मा फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन ने 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसे आखिरकार पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।